सब्सक्राइब करिए बियॉन्ड सो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब हम किसी भी अनजान जगह पर जाते हैं तो हम हमारे लोकेशन को ट्रैक करने के लिए GPS का यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, फटक से गूगल मैप्स ओपन किया, लोकेशन डाला और फटक से पहुँच गए। पर कभी आपने सोचा है कि GPS काम कैसे करता है और हमारे लोकेशन को कुछ ही सेकंड्स में ट्रैक कैसे करता है? तो हाँ, आज हम इसी वीडियो में GPS के बारे में जानेंगे कि GPS क्या है और कैसे काम करता है। तो वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPS एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसे किसी भी लोकेशन का पता करने के लिए यूज में लिया जाता है। रॉगर ले एस्टन, इवान अलेक्जेंडर गेटिंग एंड ब्रैडफोर्ड पर्किंसन, इन लोगों ने GPS का आविष्कार किया था। और रॉगर ले एस्टन GPS के प्रिंसिपल इन्वेंटर और डिज़ाइनर थे। GPS पहले US मिलिट्री पर्पस के लिए यूज में लिया जाता था। उनके फोर्स GPS का इस्तेमाल करके एनिमीज के लोकेशन को ट्रैक करके उन पे हमला करते थे। लेकिन बाद में ना GPS को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया और आज GPS टेक्नोलॉजी हमारे ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन्स, वॉचेस, हर चीज़ में प्रेजेंट है। और वर्ल्ड वाइड GPS कवरेज के लिए 24 सैटेलाइट्स की ज़रूरत है और US गवर्नमेंट ने इस पे काम करके 1995 में ग्लोबली GPS को लॉन्च कर दिया। पर उस वक्त ना इसका क्वालिटी और एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं था, पर 2000 से ये सर्विस को बेहतर बना दिया गया। GPS सिस्टम में 24 सैटेलाइट्स हमारे स्पेस में डिप्लॉयड है जो करीब करीब 19,300 किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ के सरफेस से। तो चलिए अब बात करते हैं GPS सिस्टम्स के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। उसमें क्या है ऐसे कंपोनेंट्स जो GPS के हेल्प से हमें लोकेशन डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं? तो पहला है सैटेलाइट जो स्पेस में डिप्लॉयड है। जो सैटेलाइट्स है ना, वो एक्चुअली अर्थ के ऑर्बिट में वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए यूज में लिया जाता है और जियोग्राफिकल लोकेशन और टाइम बताने के लिए इस सैटेलाइट्स का हेल्प लेते हैं। दूसरा, ग्राउंड कंट्रोल। ये एक ऐसा कंट्रोलिंग सेगमेंट है जो सैटेलाइट्स को ऑपरेट, ट्रैक और उसमें ट्रांसमिशंस को मॉनिटर करता है। तीसरा, यूजर इक्विपमेंट। GPS रिसीवर जो ट्रांसमीटर जो हमारे स्मार्टफोन, वॉचेस और ऑटोमोबाइल्स में जो प्रेजेंट है, वो तीसरा एलिमेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं कि GPS काम कैसे करता है। GPS एक टेक्नोलॉजी के जरिए काम करता है जिसका नाम है ट्राइलेट्रेशन, जो सैटेलाइट्स के सिग्नल्स कलेक्ट करके लोकेशन वेलोसिटी को कैलकुलेट करता है। मैं आपको थोड़ा इजी में समझाने का ट्राई करता हूँ। दरअसल हमारे स्मार्टफोन्स या किसी भी GPS यूनिट में एक GPS रिसीवर लगा होता है जो सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल्स को रिसीव करता है और इस सिग्नल्स को रीड एंड कैलकुलेट करके हमारे एक्यूरेट लोकेशंस पता चलता है। हर एक GPS सैटेलाइट का एक एटॉमिक क्लॉक प्रेजेंट होता है जो ये क्लॉक हमें एक्यूरेट टाइम बताता है और यही एटॉमिक क्लॉक लाखों और करोड़ों साल तक भी करेक्ट टाइम बता सकता है। अगर किसी भी GPS रिसीवर को 3 सैटेलाइट्स के सिग्नल्स मिल जाते हैं तो GPS रिसीवर को अपना लोकेशन पता चल जाता है। तो अब हम GPS के 5 मेन यूज के बारे में बात करते हैं। पहला, लोकेशन। मतलब होता है किसी भी जगह का पोजीशन डिटरमाइन करने में यूज में लिया जाता है। दूसरा, नेविगेशन, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का डिस्टेंस।
तीसरा, ट्रैकिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, जो जनरली पुलिस वाले या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करता है। चौथा, मैपिंग, आप जब गूगल मैप जो देखते हैं उसमें मैप्स डिजाइन करने के लिए भी जीपीएस का यूज लिया जाता है। पांचवा, टाइमिंग, हर एक जीपीएस लोकेशन ट्रैक करने के लिए प्रिसाइज टाइम की भी जरूरत पड़ती है, जो जीपीएस एटॉमिक क्लॉक के जरिए प्रोवाइड करता है। तो होप आपको अब समझ में आ गया होगा जीपीएस क्या है, जीपीएस को किसने इन्वेंट किया, जीपीएस कैसे काम करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही कमाल के वीडियो में। पर जाने से पहले आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि हमें और किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।